Namaste everyone. Let's start the summary of Naya Rasta. Naya Rasta, it is written by Sushma Agrawal ji. Sushma Agrawal ji ne ye upanyas likha hai. To unka manna tha aur wo chahte the ki purani jo sadi gali riti rivaaz hai, means old rituals and all that dowry lene ka jo system hai, उसका विरोध करना चाहते हैं थ्रू दिस उपन्यास. एंड इस कहानी में उन्होंने मीनू, मीनू हमारी जो नायिका तो मुख्य पात्र जो मेन कैरेक्टर है हमारे नया रास्ता का, तो मीनू के थ्रू उन्होंने सारे जो स्त्री हैं, जो सारी फीमेल्स हैं, तो उनके सपने, संघर्ष तथा उनके साहस को प्रस्तुत किया है. सपने मीन्स उनके स्त्रियों के ड्रीम्स, उनके करेज एंड उनका स्ट्रगल इस स्टोरी, इस नॉवल में उन्होंने बताया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मीनू. एंड इस कहानी में यह एक मध्यम वर्गीय परिवार, दैट इज मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है. इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से सोसाइटी में, समाज में लोग किस तरह से जो इनर क्वालिटीज रहती है, इनर ब्यूटी रहती है, उससे ज्यादा दो चीजों को ज्यादा प्रायोरिटीज देते हैं. नंबर वन, बाहरी सौंदर्य. बाहरी सौंदर्य मतलब तुम्हारा आउटर ब्यूटी, कैसे दिखते हो. एंड सेकंड, डाउरी सिस्टम. तो इन दोनों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू किसी लड़की की जो इनर ब्यूटी है या उसके जो गुण है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है, वो किस तरह से समाज नहीं देखता है. ओके, लेट्स इंट्रोड्यूस, लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर कैरेक्टर्स. जो मेन मेन कैरेक्टर्स है वो आपको अभी दिख रहे होंगे. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कैरेक्टर्स, दो तीन और कैरेक्टर है, वो हम लोग पीछे से जब उनका रोल आएगा तो उनको एड कर देंगे इसमें. ओके, तो दयाराम जी और दयाराम जी की पत्नी, ये एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्गीय है. उनके तीन बच्चे हैं, आशा, रोहित और मीनू. तो मीनू ये हमारी नया रास्ता की नायिका, नायिका मतलब मेन कैरेक्टर है. एंड उसका भाई रोहित और आशा. हम जल्दी से मीनू का, उसकी क्या क्या क्वालिटीज है वगैरह देख लेते हैं. मीनू नया रास्ता की नायिका, दयाराम जी की सबसे बड़ी संतान, सबसे बड़ी बेटी है, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड है, साहसी है, बहुत करेज है उसमें. किस तरह करेज है, उसने अपनी लाइफ के लिए एक नया रास्ता चुना था, अ न्यू पाथ. दिखने में कैसी है, सांवला रंग है और सुंदर है. सुंदर तो है बट थोड़ा सा एकदम फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन नहीं है, थोड़ी सी व्हाइटिश उसका स्किन है. एंड बहु मल्टी टैलेंटेड है, बहुमुखी प्रतिभा, एमए किया हुआ है उसने, घर के कामों में निपुण है, सारे घर के काम, हाउस होल्ड ड्यूटीज बहुत अच्छे से जानती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंगर अच्छी है, डांस अच्छा करती है, जॉइंट फैमिली को पसंद करती है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है एंड कुशल, दृढ़ और साहस की मूर्ति है. साहस की मूर्ति क्यों कहा है, क्योंकि इस पूरी स्टोरी में किस तरह से वो एक बार निराश हो जाती है, सैड हो जाती है एंड फिर वो अपने लिए एक नया ही रास्ता चुनती है. यू कैन सी सभी तरह के से वही शादी करना, लोगों की बातें सुनना, नहीं, वो अपने आप पे विश्वास दिखाती है और अपने लिए एक न्यू पाथ सेलेक्ट करती है. क्या करती है न्यू पाथ, वकालत की पढ़ाई, वकालत, एक लॉयर बनना चाहती है. वो अपने सपने को पूरा करती है, बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, बड़ों का सम्मान करती है, मतलब रिस्पेक्ट करती है एल्डर्स को एंड इंडिपेंडेंट बनती है. तो इस तरह हमने देखा मीनू का. मीनू की एक बचपन की सहेली है नीलिमा, नीलिमा बचपन की सहेली है, वो भी एमए तक. नीलिमा और मीनू पास पास रहते हैं, वो लोग मतलब पड़ोसी भी है बोल सकते हो. एक सुंदर युवती है और उसकी बहुत अच्छी सच्ची सहेली है. बाद में नीलिमा की भी शादी हो जाती है, वो हम लोग देखेंगे. ओके, उसके बाद देखते हैं दयाराम जी, मीनू के पिता. मीनू के पिता और ये पूरा उसके फैमिली, वो लोग कहाँ रहते हैं, मीनू कहाँ रहती है, मीरापुर रहती है. याद रखिए मीरापुर, दयाराम जी मध्यम श्रेणी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, सरल इंसान है, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं. एंड मीनू का जो ड्रीम है लॉयर बनने का, वकील बनने का, वो कंप्लीट करने में उसकी पूरी पूरी मदद करते हैं. दयाराम जी की पत्नी,
पति का साथ देती है, अच्छी माँ, एक गुड होम मेकर, आदर्श गृहिणी एंड मीनू को हमेशा एनकरेज करती है। मीनू का हमने देख लिया है कैरेक्टर स्केच, रोहित मीनू का छोटा भाई है, पढ़ लिखने के बाद इंजीनियर बनता है, अ गुड ब्रदर, अ गुड सन, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करता है। आशा मीनू से ज्यादा खूबसूरत है, शी इज ब्यूटिफुल, सुंदर है, भोली है, चाइल्डिश है, इंटर पास कर रही है, 12th कर रही थी स्टार्टिंग में हम देखते हैं। पीछे पीछे से तो खैर आशा की भी शादी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में वी सी कि वो 12th कर रही होती है। एंड बहुत प्यारी सी लड़की है, बहुत बातें करती है, थोड़ी चाइल्डिश बोलते हैं क्योंकि टीनेज है, एंड हसमुख है, चीयरफुल है, जॉयफुल है। एंड दया राम जी, नाम याद रखिए दया राम जी, क्योंकि वो अपनी नाम इस कैरेक्टर इस नॉवेल में आप देखोगे तो नाम उनको अपने कैरेक्टर के हिसाब से ही दिए गए हैं। लाइक दया राम जी कैसे उन पे दया आती है, मीनू को हर कोई उसकी शादी की बात चलती है, लड़के पसंद नहीं करते हैं, उसमें कोई ना कोई बुराइयां निकाल के, लाइक वो सावली है एंड पतली सी है, ऐसा सब कह के प्रपोजल्स एक के एक बार टूटते जुटते, एंड मिडिल क्लास फैमिली है, ज्यादा डॉरी नहीं दे पाते हैं, तो उस तरह से इस कैरेक्टर पे ऐसे ही दयाराम जी और दयाराम जी की पत्नी पे ऐसे ही दया आती है। तो आप उसी से याद रख सकते हैं कि मीनू के पिता दयाराम जी और उसकी माँ का कोई नाम नहीं दिया गया है। ओके तो हम लोग वी विल स्टार्ट विद द समरी एंड आई विल ट्राई कि हम लोग चैप्टर वाइज उसको करें ताकि थोड़ा याद करने में भी इजी हो। तो ये एक कहानी है मीरापुर की, मध्यम श्रेणी मिडिल क्लास फैमिली है। इसमें पति पत्नी, उनकी दो बेटियां आशा मीनू और भाई है रोहित है। कहानी स्टार्ट होती है नीलिमा के घर से। नीलिमा कौन है? मीनू की बचपन की सहेली है। तो कहानी नीलिमा के घर से स्टार्ट होती है। मीनू नीलिमा के घर आई होती है और नीलिमा तभी मिरर में अपना चेहरा देखती है। नीलिमा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रहती है एंड वो खुश रहती है, और तभी मीनू खुशी खुशी उसके शेयर करने आती है कि मेरठ से, ये मेरठ से अमित, तो मेरठ से एक लड़का आने वाला होता है उसे देखने के लिए, और उसकी बात कर रही होती है और अचानक उसे याद आ जाता है कि वो किस तरह से छोटी है हाइट में, शॉर्ट एंड थोड़ी सी सावली है, किस तरह से लोग उसे मना कर देते हैं, थोड़ी उदास हो जाती है। ये नीलिमा को समझ आ जाती है ये बात कि मेरी फ्रेंड उदास है, तो वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में उसने कुछ फोटोज निकाले रखते हैं, तो मजाक करती है एंड उसे फोटोज दिखाती है। ये दोनों बात करते रहते हैं। मीनू के मन में हमेशा ये बात रहती है कि नीलिमा कितनी लकी है, कितनी भाग्यशाली है वो। क्यों? क्योंकि वो कितनी खूबसूरत है, उसे लगता है कि ईश्वर ने उसे बहुत फुर्सत में बनाया है। एंड उसी वक्त कौन आता है? रोहित आता है। रोहित कौन है? मीनू का भाई है। ये रहा रोहित, मीनू का भाई है। वो नीलिमा के घर आता है और क्या खबर लेके आता है? एमए का रिजल्ट आ गया है एंड मीनू प्रथम श्रेणी में पास हो गई है एंड नीलिमा द्वितीय मतलब सेकंड क्लास में पास हो गई है। एंड इस तरह से वे दोनों, मीनू अचानक से अपना सारा सैड स्टोरीज भूल जाती है एंड खुश हो जाती है, एंड फिर वो अपने भाई के साथ अपने घर चली जाती है। और नीलिमा तभी गाने थोड़ा सा गुनगुनाती है, कुछ गाना गाती है कि कभी सुख है कभी दुख है। क्यों? क्योंकि उसकी उसे अपनी सहेली की हमेशा उदास रहती है, तो उसकी चिंता भी रहती है। और फिर चैप्टर टू में हम लोग देखते हैं मीनू तो घर आ जाती है। अब आते हैं कौन? मेरठ वाला जो लड़का देखने आता है दयाराम जी के घर पे। मध्यम श्रेणी का, मिडिल क्लास का फैमिली, उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया रहता है अपने सारा जो लिविंग एरिया रहता है उसको। एक मिनट, मेरा पॉइंट ओके। हाँ, तो वहां पे माया राम जी कहाँ गए? मायाराम जी ये रहे, मायाराम जी उनकी पत्नी, ये लोग कहाँ के हैं? मेरठ के हैं। उनके दो बच्चे हैं अमित, अमित की एक बहन मधु। ये लोग कहाँ आते हैं? मीनू के घर पे लड़की देखने के लिए, एक प्रपोजल लेके आते हैं। और दयाराम जी और दयाराम जी की पत्नी ने सारा तैयारी बहुत अच्छे से किया रहता है। मीनू ने पिंक कलर की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी रहती है, सावली है बट बहुत सुंदर दिखाई देती है।
अच्छे से मीनू आती है एंड अमित और मीनू जब आपस में बातें करते हैं तो क्या हॉबीज है वगैरह बात करने के बाद अमित उससे पूछता है कि क्या तुम संयुक्त परिवार दैट इज जॉइंट फैमिली में मेरे माता पिता और ये रहे उसके माता पिता और ये रही उसकी बहन मधु उनके साथ रहना पसंद करोगी। मीनू कहती है कि हाँ मैं पसंद करूंगी उनके साथ रहना। ये सुन के अमित खुश हो जाता है और अमित को मीनू पहले ही नजर में पसंद आ जाती है। उसे लगता है सावली है बट बहुत ब्यूटीफुल है तो उसे मीनू पसंद आ जाती है। और यहाँ पे आशा थोड़ी देर पे आशा और रोहित मतलब आशा और रोहित मीनू के छोटे भाई बहन उनकी एंट्री होती है और आशा बहुत ब्यूटीफुल रहती है एज कम्पेयर टू मीनू वो ज्यादा ब्यूटीफुल रहती है। और आशा हमें पता है छोटी है चाइल्डिश है थोड़ी सी उसकी माँ ने मना किया है फिर भी वो हंस हंस कर मायाराम जी की पत्नी मतलब अमित की माँ से हंस हंस कर बात करती है। दयाराम जी की पत्नी ये रही वो डरती है कि कहीं एक डर रहता है कि वो ज्यादा ब्यूटीफुल है तो वो कोशिश करती है अवॉइड करती है कि वो वहां ज्यादा देर तक ना रुके और वो उसे आशा को किसी बहाने वहां से बुला के अंदर घर पे भेज देती है। आशा समझ नहीं पाती है थोड़ी नाराज भी हो जाती है कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है बट ओके वो अंदर चली जाती है अपनी बहन से कुछ नहीं कहती है। और वो लोग चले जाते हैं। दयाराम जी मायाराम जी को पूछते हैं कि क्या फैसला है लड़का लड़के ने मतलब अमित ने उसे पसंद आई क्या मीनू तो वो बोलते हैं कि हाँ हम घर जाके आपको जो भी होगा थ्रू लेटर हम लिखेंगे और आपको बता देंगे। अमित को मायाराम जी को सबको मीनू पसंद आ गई थी। अमित और मायाराम जी और मायाराम जी की पत्नी जब मीरापुर से मीनू को देखकर अपने घर मेरठ के लिए आए अमित मायाराम जी और मायाराम जी की पत्नी और मधु ये चारों जो लड़की देखने गए थे मीनू को देखने पसंद करके मन में ठान लिया था कि पसंद है पर कहा था कि जवाब हम लोग लेटर के थ्रू देंगे तो वापस मेरठ आ जाते हैं। जब मेरठ आते हैं तो उनके घर पे वहां पे उन्हें कोई मिलने के लिए आता है। कौन रहता है वो जो मिलने के लिए आते हैं वो है धनीमल जी। धनीमल जी कौन है वे शहर के एक धनी व्यक्ति है। ये रहे धनीमल जी धनी मतलब पैसे वाले रिच है एंड वे अपने बेटी उनकी बेटी है सरिता सरिता का प्रपोजल लेके उसका फोटो लेके वो उसके घर पे आते हैं। और वो आके बोलते हैं कि मैं तो शादी मतलब 5 लाख रुपए तक मैं अपनी बेटी के लिए शादी में खर्चा करूंगा मतलब दहेज के लिए मैं 5 लाख रुपया दूंगा। मायाराम जी दहेज विरोधी है डौरी के अगेंस्ट है। वह बोल भी देते हैं धनीमल जी कि हम तो अभी अभी लड़की देख के आए हैं और वो हमें पसंद भी है। और वो एक्चुअली मायाराम जी को था कि हमें पैसे डाउरी लेके नहीं करना है इतने पैसे वाले घर की बेटी सरिता से अगर शादी किया तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए अमित के लिए प्रॉब्लम्स ना हो जाए मतलब लिखा है कि उसके पावों में वो बेड़िया नहीं डालना चाहते हैं। पर फिर भी धनीमल जी बोलते हैं कि मैं शादी के सरिता का ये फोटो रख के जाते और ये भी बोल के जाते कि मेरी तो बस 3 बेटियां हैं मरने के बाद सब कुछ उन्हीं का है। अब इससे क्या होता है पहले तो इनको मीनू पसंद आ गई होती है मायाराम जी और अमित को तो अभी भी मीनू पसंद है पर मायाराम जी की जो पत्नी है अब उसको दिखाई देने लगते हैं पैसे उसको दिखाई देने लगते हैं 5 लाख रुपए। और कहीं ना कहीं वो उसे अब ऐसा होता है कि सरिता को पसंद कर ले हम लोग एंड घर पे बात होती है तो उसकी माँ को लगता है कि अरे पैसे अगर आ जाएंगे तो ऐसे तो सरिता छोटे बाल कटे हुए फोटो देखते हैं मीनू ज्यादा सुंदर है बट फिर भी वो बोलती है कि अरे सरिता भी तो ज्यादा बुरी नहीं है अच्छी है नाक नक्श अच्छे हैं भाई सब कुछ तो अच्छा ही है। अमित को लगता है कि ऐसी लड़की शायद हमारे ज्वाइंट फैमिली में वो एडजस्ट कर पाएगी क्या वो सबसे मिलके रहेगी क्या। इस तरह से अमित थोड़ा सा अपनी बात रखने की कोशिश करती है पर मायाराम जी भी नहीं पसंद करते। पर मायाराम जी की पत्नी उसे 5 लाख रुपए दिखाई देते तो वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लेती है कि हम मीनू को नहीं सरिता को पसंद करके उसके साथ शादी फिक्स कर देते हैं। अमित को पसंद नहीं है बट उसकी कोई चल नहीं रही है यहाँ पर।
वो एक अच्छा बेटा बन के चुप रह जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। एंड देन दे डिसाइड कि अभी ना कैसे कहे, रिश्ते के लिए हम मना कैसे करें। उन्हें दयाराम जी को पत्र लिख के मना तो करना था, तो मायाराम जी की पत्नी को एक आइडिया आता है। वो बोलती है कि उनकी बेटी जो है आशा, कहाँ है आशा, ये रही मीनू की छोटी बहन आशा, वो दिखने में काफी सुंदर है। तो वो एक आइडिया देते अपने हस्बैंड को कि हम एक लेटर लिखते हैं, उसमें लिखेंगे कि भाई हम शादी करने के लिए तैयार है, पर हमें छोटी बेटी पसंद है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो मीनू से नहीं करेंगे पर आशा से करेंगे। खैर मायाराम जी को ये बात बुरी लगती है कि किसी की बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बड़ी को रख के कोई छोटी बेटी, अपनी यंगर डॉटर की तो शादी फिक्स नहीं करेंगे। बट मायाराम जी की पत्नी के सामने उनकी एक नहीं चलती है, वो कन्विंस हो जाते हैं, वो लेटर लिखते हैं। थोड़ा गिल्ट भी फील होता है उनको कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी वो लेटर लिख देते। तो इन शॉर्ट अब अमित का शादी मीनू से ना हो गया है एंड सरिता जो धनीमल जी की बेटी है उनसे फिक्स हो गया है। हम एक बार फटाफट उनका कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं, मायाराम जी की पत्नी और अमित का। देखिए मायाराम जी दहेज के विरोधी है, स्टार्ट में मना करते, परिवार से प्रेम करते, अ गुड ह्यूमन बीइंग, पत्नी की बात मानकर डॉरी के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड में ये पूरी बुक के एंड में वे अमित का साथ देते हैं और अपनी भूल के लिए भी माफी भी मांगते हैं। वी विल सी दिस इन दैट। और मायाराम जी की पत्नी ग्रीडी है, पैसों से प्यार है, लालची है, दहेज के लिए अमित को सरिता से शादी करने के लिए तैयार करवा देती है, पर अंत में फिर वो भी बेटे का साथ देती है। इट्स नॉट रिटर्न बट अंत में वो देती है साथ में। मधु कौन है, अमित की छोटी बहन है, भाई से प्यार करती है एंड उसे भी कहीं कहीं लगता है कि हम एक बार सरिता को देख ले, पर वो अपने भाई के हर बात पे उसका साथ देती है। अमित कैसा है, हमारी कहानी का नायक है, थॉट्स में वेरी सॉर्टेड है, एक सॉर्टेड पर्सनालिटी है, सुलझा हुआ। दहेज विरोधी है, मतलब डॉरी के अगेंस्ट है, धन का लालच नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है उसमें, स्वाभिमानी है, बट फिर भी मीनू के गुणों से प्रभावित हो जाता है, मीनू को पसंद करता है एंड माता पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र है। तो वो सरिता के लिए हाँ बोल देता है, मन ही मन वो बीनू को पसंद करता रहता है और बहुत कुछ होता है। एंड में हम देखेंगे कि कैसे उसे फिर से मीनू से उसकी शादी होती है। धनीमल जी भी देख लेते हैं एक बार। धनीमल जी धनी व्यक्ति, रिच है, तीन बेटियों के पिता है, थ्री डॉटर्स है, हर बेटी की शादी में 5-5 लाख का खर्चा किया है, स्पेंड किए हैं, डॉरी दिया है एंड अमित से शादी कराना चाहते हैं। उनकी बेटी जो सरिता है धनीमल जी की बेटी है, रिच फैमिली को बिलोंग करती है, पेंटिंग्स एंड कार ड्राइविंग का उसे बहुत ज्यादा उसकी रुचि है, मतलब हॉबी है। BA सेकेंड डिविजन में उसने पास किया है। कंपेयर करेंगे तो हमारी मीनू ने उसने MA किया है फर्स्ट ग्रेड में। साधारण रूप रंग है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। ओके तो यहाँ अब डिसाइड हो गया है कि अमित की शादी सरिता से करेंगे। एक लेटर लिख दिया जाता है मीनू की फैमिली को। तो मीनू की फैमिली अभी यहाँ पे एक उनके जवाब का राह देखती है, पोस्टमैन की राह देखती रहती है। दोनों जन बात करते रहते कि कहीं लेट क्यों हो गई है, इतना पोस्ट अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया है। दे आर वरीड कि कहीं इस बार फिर से मीनू को लेकर ना ना आ जाए। मीनू भी वरीड है, उसे लगता है कि यार ये तो रिजल्ट देने से भी ज्यादा मुश्किल काम है, मतलब कौन सा रिजल्ट, एग्जाम के रिजल्ट से भी ज्यादा ये थोड़ा और मुश्किल है। ओके एंड उसके बाद डोरबेल बजती है, पोस्टमैन आता है, एक लेटर आता है, रोहित आवाज देता है और जोर जोर से बोल रहा था कि मेरठ से पत्र आया। मेरठ कौन, अमित का घर, मेरठ से पत्र आया। सबने लेटर रीड किया, वी नो लेटर में लिखा था कि हम आशा को पसंद करते हैं। तो दयाराम जी और दयाराम जी की पत्नी उदास हो जाते हैं। मीनू को समझ आ जाता है कि एवरीवन इज साइलेंट, तो ना आ गया है। बट व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग द लेटर दे केम टू नो कि उन्होंने तो आशा को पसंद किया है। तो दे आर नाउ कंफ्यूज्ड कि मीनू को रख के हम आशा की शादी कैसे फिक्स कर सकते हैं। आशा ऐसे भी छोटी है, जस्ट अभी तो 12th इंटर में है, मीनू को तो पहले करना है, सोसाइटी क्या बोलेगी। दे वर वेरी वेरी मतलब कंफ्यूज्ड थे।
नॉट रेडी कि ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, आशा की शादी पहले नहीं कर सकती है। मीनू बहुत दुखी हो जाती है बट फिर करेज गैदर करती है एंड देन शी डिसाइड्स एंड वो बोलती है कि आप मेरी चिंता ना करें, आप आशा की शादी करवा ले। किससे? अमित से। आप हाँ बोल दे, ऐसे ही उसके लिए प्रपोजल आया, अमित अच्छा है, आप हाँ बोल दे, मेरे लिए उसकी जिंदगी क्यों खराब करते हैं। एंड फिर वो ये भी बोलती है, उसके पेरेंट्स ना बोलते समझाते हैं मीनू को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग अच्छा दूसरा लड़का ढूंढेंगे। तो शी सेज कि नहीं, मैं अब शादी नहीं करूंगी। व्हाट मीनू डिसाइड्स? मीनू डिसाइड करती है कि मैं अब शादी नहीं करूंगी। वो डिसअपॉइंट नहीं होती है, वो करेज गैदर करती है एंड शी डिसाइड्स कि मैं शादी नहीं करूंगी, पर मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनूंगी, अपने पाँव पर खड़ी रहूंगी एंड मैं इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनूंगी। एंड दे आर स्टिल कंफ्यूज उसके पेरेंट्स, बट कौन आता है तभी उनके वहां पे दयाराम जी के एक घनिष्ठ मित्र, एक फैमिली फ्रेंड आते हैं एंड सारी बात पता करके वो बोलते हैं ओके ठीक है, आप आशा के लिए हाँ बोल दो, लड़का अच्छा है, एक एडवाइस देते हैं। तो दे ऑल डिसाइड कि चलो ठीक है हम लोग हाँ बोल देते। तो क्या करते हैं दयाराम जी, मीरापुर से, दिस साइड मीरापुर, दिस साइड मेरठ। तो ओके, तो मीरापुर से ही गोज टू मेरठ। उनको लगता है आशा तो उन खुद ही पसंद किया है तो ऑब्वियसली दे विल से यस। वे जाके बैठते हैं, दयाराम जी कौन जाता है, दयाराम जी कहाँ जाते हैं, मायाराम जी के घर। तो वो जाके बैठते, मायाराम जी घर पे नहीं है, एक नौकर रहता है, वो दरवाजा खोलता है एंड वो बिठाते हैं। तो वो वेट कर रहे होते तभी वहां मायाराम जी के घर मेरठ में कौन आ जाता है, धनीमल, धनी धनी रिच, उसी से पता चलता है बहुत पैसे वाला है। तो धनीमल जी आते हैं एंड वो बताते हैं कि हमारा तो, हमारी बेटी सरिता की शादी अमित से, ये अमित है, उससे ऑलरेडी फिक्स हो गई है और मैं तो शादी में 5 लाख रुपया भी दे रहा हूँ। ये सब सुन के दयाराम जी को बहुत बुरा लगता है, उन्हें सारा सीन समझ में आ जाता है कि दे वॉन्टेड टू से नो बट उन्होंने बात घुमा के की और एक तरह से धोखा दिया, हमें धोखा दिया, चीट किया उन्होंने एक तरफ से कि हाँ हमें तो आशा पसंद है बोल के उन्होंने हमें चीट किया। ऑलरेडी उन्होंने तो सरिता से डिसाइड कर लिया था। दयाराम जी बहुत उदास हो जाते हैं, वे वहां से चले आते हैं एंड ही वो सोचते कि इंसानियत में, इंसानों में इंसानियत ही नहीं बची है, मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है, शर्म लज्जा नहीं है, कुछ नहीं है। और वे वहां से चल देते हैं, अपने घर आते हैं। उनके मन में अमित एंड उसकी फैमिली के लिए क्या है, ऑब्वियसली बहुत हेट है अब। एंड घर आके जब सारी स्टोरी बताते हैं तो मीनू के मन में भी, आशा रोहित के मन में भी, एवरीवन दे लाइक हेट अमित कि उन, क्योंकि मीनू को भी कहीं कहीं मन में तो लग रहा था कि अमित उसे पसंद कर रहा है, बट अब जब उसने सुना कि अरे उन्होंने पैसों के लिए ये सब एक नाटक रचा कि आशा पसंद है एंड एक गलत लेटर राइट किया, तो अभी मीनू के मन में भी अमित के लिए बहुत सारी हेट फीलिंग्स है। दयाराम जी और दयाराम जी की पत्नी के लिए, के मन में भी अमित, मायाराम जी और मायाराम जी की पत्नी के लिए बहुत ज्यादा हेट फीलिंग्स है। मीनू को बहुत सारे लड़के ऐसे ही नाक बोल के गए थे, तो जीवन की मतलब लाइफ की इन सिचुएशन से बहुत ज्यादा वो अब हेल्पलेस हो रही थी एंड वो उसमें एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा था, हीन भावना है, दैट इज हीन भावना। तो उसे लग रहा था कि शी इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग, उस तरह की उसकी फीलिंग्स आ रही थी। बट उस सब में ऐसा कहीं ना कहीं वो बचपन से ही हमेशा पढ़ाई में, स्टडीज में ऑलवेज फर्स्ट आती थी, प्रथम श्रेणी में पास होती थी। तो ऐसी एकदम इंटेलिजेंट लड़की, अचानक से उसको लगने लगा था कि आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, ऐसे वर्थलेस हूँ। एंड फिर भी उसने अपने आप में जो करेज था, दृढ़ता व साहस की मूर्ति, दृढ़ता व साहस की मूर्ति, तो उसने अपने आप को इतना फर्म रखा और डिटर्मिनेंट थी वो कि मैं कुछ तो करके रहूंगी लाइफ में। एंड उसने पहले तो सबसे पहले शादी का सपना ही छोड़ दिया कि मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, इस तरह से उसने डिसाइड किया। एंड देन शी डिसाइडेड कि उसे बचपन से वकील, लॉयर बनना था, तो मैं वकील बनूंगी। एक्चुअली उसके पेरेंट्स ने कभी उसे हॉस्टल जाने के लिए अलाउ नहीं किया, बट अब सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि उन्होंने मीनू को
उसका डेडिकेशन देख के, उसके मन की लगन देखकर उसको अलाउ किया। मीनू ने लॉयर बनने के लिए, वकालत करने के लिए मेरठ में एडमिशन लिया। आप याद रखिए कि अमित एंड उसका फैमिली भी मेरठ में रहता है। मीनू ने मेरठ में एडमिशन लिया क्योंकि जैसे मीरापुर थोड़ा छोटा शहर है एंड मेरठ इज थोड़ा बिगर टाउन बोलते हैं वैसा है। एंड उसने, मीनू ने डिसाइड कर लिया कि जब तक पैसा, क्योंकि धनीमल जी कैसे थे, पैसे वाले थे, तो अब दहेज दे रहे थे, तो मीनू के मन में कहीं ना कहीं आ गया था कि पैसा पैसा पैसा, हर जगह पैसों का बोलबाला है। अब मैं बड़ी होके इतनी इंडिपेंडेंट रहूंगी और पैसे कमाऊंगी, हर जगह तो पैसा ही चाहिए, उस तरह के उसके मन में ख्याल आ रहे थे। अब मीनू के घर पे क्या चल रहा था, तैयारियां चल रही थी उसे हॉस्टल भेजने के लिए। मीनू फर्स्ट टाइम हॉस्टल जा रही थी, अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली से दूर रह रही थी, उस थोड़ी उदास भी थी थोड़ी, बट खुश भी थी कि अपना सपना पूरा करने जा रही है। दयाराम जी की पत्नी मतलब मीनू की माँ ने उसे आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दिया कि तुम एक दैदिप्यमान नक्षत्र मतलब शाइनिंग स्टार के जैसे तुम जग में मतलब दुनिया में प्रकाश फैलाओ, प्रकाशमान कर दो दुनिया को। इस तरह से कहीं ना कहीं वो इनकरेज कर रही थी अपने सपनों को, तू फॉलो कर करके एक मतलब ब्लेसिंग्स दे रही थी, उसको मोटिवेट कर रहे थे, उसका साथ दे रहे थे उसके पेरेंट्स। तो वो अपने हॉस्टल आ जाती है, मेरठ आ जाती है। मेरठ में उसके ज्यादा दोस्त रहते नहीं है हॉस्टल में पहले, तो मोस्टली बुक्स पढ़ती रहती है। एंड कहीं ना कहीं उसे याद आता है कि बचपन में किस तरह से मैं जब बोलती थी कि मुझे लॉयर बनना है, तो पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं नहीं ऐसा इतना ज्यादा पढ़ाएगा कौन तुझे, तुझे तो 18 की एज में, 18 की एज में शादी कर देंगे वगैरह वगैरह। उसे याद आ रहा है, थोड़ा होमसिक हो रही है एंड पढ़ाई भी कर रही है। इतने में तो 2 दिन में उसके फादर, उसके पिताजी बहुत सारा दूसरा भी सामान लेके आते हैं एंड वो अपने पेरेंट्स से, अपने नॉट पेरेंट्स, पिता से, अपने डैड से मिलती है और बहुत खुश होती है। इस तरह से मीनू तो अपने एक नए रास्ते की ओर चल दी है। यहाँ अमित के घर पे हमें पता है कि उन्होंने सिर्फ सरिता की एक फोटो देखी थी, उन्होंने सरिता को देखा नहीं था एंड उन्होंने मीनू से रिश्ता तोड़ दिया था। अमित इस बात से उदास था क्योंकि अमित को मीनू कहीं ना कहीं पसंद आ चुकी थी। तो अमित अपनी माँ को हमेशा कन्विंस करते रहता था कि तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो शादी के लिए, सरिता से शादी करने करवाने के लिए मेरी। और माँ बोल रही थी कि अरे तूने पता नहीं मीनू में क्या देख लिया है ऐसा, और तू बिना देखे ही सरिता को कैसे नापसंद कर रहा है। बार बार थोड़ी शादियां होती है, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, बहुत मतलब हमें और भी लड़कियों को देखना चाहिए। तो अमित भी वही बोल रहा था कि तुमने बिना देखे ही कैसे मीनू को, मतलब मीनू को देख कर भी तुमने उसे नापसंद कर दिया, सरिता को तुमने बिना देखे ही हाँ बोल दिया है। सरिता घर का काम थोड़ी करेगी, मीनू है तो पढ़ी लिखी है, एमए किया है, समझदार है, तो घर को भी संभाल लेगी, एक जॉइंट फैमिली में रहेगी। तो यहाँ माया रामजी की पत्नी का कहना है कि पैसे वाली है तो अगर वो काम नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, हम लोग नौकर रख लेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि मायाराम जी पूरी तरह, मायाराम जी की पत्नी इनफैक्ट पूरी तरह से मीनू को 5 लाख रुपए जो उसके फादर दे रहे थे वो देख के शी वॉन्ट्स टू मतलब अमित की शादी सरिता से करवाना चाहती है। एंड अमित कन्विंस कर रहा है कि किस तरह से एक आंटी है जो एक मौसी मैटरनल मतलब एक आंट है मम्मी साइड से, जो एक आंटी है उस किस तरह से उसने पैसों वाले घर में अपनी बेटे की शादी करवाई, तो उनकी जो बहू है किस तरह से क्लब्स जाती है, सब कुछ करती है बट काम नहीं करती है। एंड वो आंटी को एक बात बता रहा है अमित, ऐसे कन्विंस कर रहा है कि उस आंटी को देखो ना, वो बुखार में भी काम करती है, इनफैक्ट अपने डॉटर इन लॉ के बच्चों को भी संभालती है, तो कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। ये कन्विंस कर ही रहा होता है कि तभी एंट्री होती है किसकी, धनीमल जी की। धनीमल जी की एंट्री लेती है और धनीमल जी अपने साथ फ्रूट बास्केट लाते हैं, पेटी लाती है सेब की। अमित को पसंद नहीं आता ये सब, तो धनीमल जी आते हैं किस चीज के लिए, डेट फिक्स करने के लिए, किस दिन अमित और सरिता को मतलब देखने आए, उन दोनों का एक मीटिंग हो जाए, वो डेट फिक्स करने के लिए आते हैं। और लेके क्या आते हैं, कश्मीर के मीठे सेब, खाली हाथ नहीं आते। वहां भी ये माँ उसकी समझाती है कि अरे बेटा खाली हाथ नहीं जाते इसलिए लाए, पर अमित को ये पसंद नहीं आता है कि ये क्या गिफ्ट लेके आ गए।
इस तरह से अभी उठ के घर पे चल रहा है कि वो सरिता को देखने जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अमित और सरिता को देखने की एक डेट डिसाइड हो जाती है, वो दिन भी आ जाता है जिस दिन तिथि, डेट को कहा गया है तिथि, वो तिथि निश्चित हो जाती है, वो दिन भी आ जाता है। तो अमित, मधु, मायाराम जी की पत्नी, वे सब जाते हैं धनीमल के घर पे देखने के लिए। मधु भी एक्साइटेड है, उसे भी था कि चलो एक बार सरिता को भी देखें। वो लोग जा ही रहे होते तभी क्या हो जाता है, बाहर उनके एक हॉर्न सुनाई देता है, तो कार आती है। किसकी कार है? धनीमल जी, पैसे वाले हैं भाई, उन्होंने कार भेजी है कि इन लोग को अपने घर लाने के लिए एक कार को भेजा है सामने से। तो कार में मस्त से ड्राइवर कार का दरवाजा खोलते हैं, मायाराम जी बैठते हैं, मायाराम जी को भी अच्छा सा लगने लगता है। कार रुकती है तो धनीमल का मस्त एक बंगलो, उसे कहते हैं हिंदी में कोठी, बड़ा सा कोठी उन्हें दिखता है, उसका दरवाजा है, लॉन है, वो बहुत सारे फ्लावर्स रखे हैं, डेकोरेट किया गया है, बड़ा सुंदर सा बंगलो घर है। और ड्राइंग रूम में वो लोग जाते हैं और तभी धनीमल जी आते हैं, तो मस्त पैसे वाले सूट वूट में, और जो घर के नौकर सर्वेंट्स वे वो भी एक यूनिफॉर्म में, खाकी वर्दी, दैट इज खाकी कलर की यूनिफॉर्म में है, बहुत सारे फ्रूट स्वीट्स वगैरह रखे हुए। तो मायाराम जी, अभी तक तो उनको क्या था, मीनू पसंद थी, पर अब मायाराम जी को पैसा वैसा देख के ऐसा लगने लगा है कि हाँ, अब उनको ये सब अच्छा लगने लगा है। तो बहुत सारे, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। और फिर सरिता आती है, सरिता किसके साथ आती है, अपनी एक आंटी के साथ आती है। तो अमित, मायाराम जी की पत्नी और मधु, वो सभी बैठे रहते हैं, सरिता, धनीमल, धनीमल जी की पत्नी नहीं है इसमें, कहीं उनका जिक्र नहीं है, ओके, और एक आंटी, वो लोग मतलब सब लोग बैठे दिखाई होती है। इन्हें लगा था कि सरिता बहुत ब्यूटीफुल होगी, बट सरिता इतनी ब्यूटीफुल नहीं रहती है एज कंपेयर टू मीनू। अमित को लगता है कि मीनू ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो वो कहता है कि इसका तो रंग भी मीनू से थोड़ा फीका है, मतलब गिरा हुआ है, रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ है, ऐसा अमित को लगता है। एंड मधु को भी लगता है कि नहीं, ठीक, ये तो ठीक ही है, इस काइंड ऑफ फीलिंग मधु को भी रहती है। बट मायाराम जी और मायाराम जी की पत्नी को सरिता पसंद आने लगती है, क्यों? क्योंकि उन्हें उसके साथ पैसे दिख रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं। एंड अमित को लगता है कि अरे, माँ को अभी दिखाई नहीं दे रही है क्या सरिता, उसकी ब्यूटी नहीं दिखाई दे रही है, मीनू तो एटलीस्ट उससे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उसे तो पहले ही मीनू पसंद आ गई थी। फिर भी वो सरिता से बात करता है कि आपको क्या क्या पसंद है, तो सरिता बोलती है कि हमें तो क्या पसंद है, पेंटिंग व ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग और ड्राइंग की रुचि रखते हैं, बोलते घर का काम नहीं, घर का काम तो मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अमित पूछता है करना पड़ा तो बोलेंगे नौकर रख लेते हैं। इस तरह अमित को सरिता नहीं पसंद है, उसे लगता है कि वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका एक जॉइंट फैमिली है। एंड उसने सेकेंड डिवीजन मतलब सेकेंड क्लास में BA पास किया था, तो अमित को तो पसंद नहीं आए, ठीक है, वो लोग वापस आ जाते हैं, सब लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं खा लो खा लो, बट अमित को तो उधर कुछ पसंद नहीं आता। पर मायाराम जी इज वेरी हैप्पी, मायाराम जी इज हैप्पी इनफ, उनकी पत्नी भी मतलब अमित की माँ भी खुश है, कि बोलती ठीक है रंग थोड़ा गिरा हुआ है, बट ठीक है शादी के बाद तो ग्लो आ ही जाएगा, वो लोगों ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था। मधु, मधु ट्राई करती है, बोलती है कि नहीं जरूरी नहीं है ना, मायाराम जी कहते हैं कि दो ही कलर है, एक काला और गोरा, तो मधु कहती है कि जरूरी नहीं है ना कि हम ही काली भाभी लेके आए, अभी मधु छोटी है तो कलर ही ज्यादा देखती है। तो इस तरह से वो लोग ने तो ऑलरेडी डिसाइड किया है। अमित को थोड़ा पसंद नहीं है, अमित को पूछते हैं तो अमित कहता है कि तुमने तो डिसाइड कर ही लिया है, तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें तो पसंद ही आ गई मुझसे, मतलब मुझसे बिना पूछे ही तुम लोगों ने तो ठान ही लिया है। जैसे ये सब सुन के कहीं मायाराम जी को लगता है कि यार कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग, अमित की माँ तुरंत ही कह देती है कि अरे आजकल के बच्चे कैसे हैं, हमारे जमाने में तो हमको तो कोई दूसरा मतलब बिफोर मैरिज हम लोग तो मिलते भी नहीं थे, एंड शादी हो जाती है, आजकल के बच्चों को बहुत तखरे हैं, ऐसे ऐसे क्या मतलब हर बात पे लड़कियों में कमी दिखाते, ऐसा से करके अमित की माँ स्टार्ट हो जाती है बोलना। तो अमित चुप हो जाता है,
और वो इतना करेज गैदर नहीं कर पाता, उतना साहस इकट्ठा नहीं कर पाता कि माँ बाप के अगेंस्ट कुछ बोले। तो इन शॉर्ट अमित की शादी फिक्स हो जाती है सरिता के साथ। और यहाँ मीनू, मीनू कहाँ पहुंच गई है, मेरठ में। मेरठ में वो अब अपनी लाइफ थोड़ी इंजॉय कर रही है, अपना जो नया रास्ता उसने चुना उसकी ओर बढ़ रही है। हॉस्टल में वो अपनी सखियों के साथ घूम रही है, मतलब फ्रेंड्स के साथ। उसके हॉस्टल की जो फ्रेंड है वो है माया। माया सी, माया राम जी अमित के पिता है। एंड माया कौन है, माया मीनू में, मीनू की हॉस्टल की सहेली है और उसके बचपन की सहेली है नीलिमा। ये दो बातें याद रखिए, माया उसके हॉस्टल की सहेली है और नीलिमा मीनू के बचपन की सहेली है। तो अभी हॉस्टल में स्ट्राइक हो गई, कॉलेज में स्ट्राइक है, वो लोग सारे फ्रेंड्स प्लान करते हैं कि चलो चले बाहर, मौसम अच्छा है, समोसे वगैरह खाए जाए। पोस्ट वो लोग क्या करते हैं, पोस्टमैन डाकिये का इंतजार करते हैं। माया थोड़ी उदासी है, उसने घर पे 4 लेटर्स लिखे पर अभी तक एक भी लेटर नहीं आया, तो शी इज वरीड अबाउट हर पेरेंट्स। मीनू माया को चेयरअप करने के लिए मजाक मस्ती कर रही होती है, इतने में बारिश आ जाती है तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाती है। अचानक से उधर एक टैक्सी आके रुकती है मीनू के हॉस्टल में, उसमें से निकलती है नीलिमा। नीलिमा क्यों आई रहती है, नीलिमा जब आती है तो पहले तो वो माया से मिलती है एंड और भी मीनू की सहेलियों से। नीलिमा को बहुत अच्छा लगता है, फिर वो लोग रूम में जाते हैं, तब नीलिमा बताती है हॉस्टल में, मतलब रूम मतलब हॉस्टल के कमरे में जाते हैं, तब वो बताती है कि मैं तो शादी का कार्ड दिखाती है वो। तो नीलिमा की शादी फिक्स हो गई है, तो वो शादी का कार्ड लेके आई है मीनू को इनवाइट करने के लिए। तो वो बोलती है कि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, तुझे शादी में जरूर आना है। एंड मीनू बोलती है अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं नहीं आ सकती हूँ, तू ही तो एक ओनली मेरी एकमात्र सहेली है। इस तरह से दोनों बात करते हैं। नीलिमा बताती है कि उसका होने वाला पति कौन रहता है, सुरेंद्र, सुरेंद्र जी लिखा है हर जगह यहाँ पे। तो सुरेंद्र कहाँ का है, तो सुरेंद्र कहाँ का रहता है, सुरेंद्र भी मेरठ का रहता है। ओके लेट्स सी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र नीलिमा का पति। तो नीलिमा बताती है कि वो मेरठ के रहने वाले हैं, उनकी खुद की फैक्ट्री है, काफी पैसे वाले हैं, देखने में भी स्मार्ट है, रंग साफ है, मतलब अच्छा स्किन है, अच्छे साफ है, स्मार्ट लुकिंग है, फीचर्स नाक नक्श मतलब फीचर्स भी उनके बहुत अच्छे हैं। तो दीज आर द फीचर्स भी बहुत अच्छे। इस तरह से वह सुरेंद्र के बारे में बताती है। तो ये रहा सुरेंद्र का कैरेक्टर स्केच भी हो गया हमारा। एंड इस तरह से नीलिमा उसको बोल के जाती है कि तुझे शादी में जरूर आना है। ये भी बताती है कि उसके भाई, उसका भाई सी, ये रहा भाई कौन है, अशोक। अशोक अब क्या बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं और दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड फिर नीलिमा चली जाती है अपने, वहां 5 बज जाते हैं, तो बोलती है ठीक है तू जरूर आना करके वह वहां से चल देती है उसके हॉस्टल से। मीनू उसको बाय बाय करने के लिए जाती है गेट तक, वापस आती है, कार्ड देखती है अपनी फ्रेंड का, शादी का इनविटेशन कार्ड। तो क्या होता है, फिर से उसे वही सब अतीत की स्मृतियों में खो जाती है, पास्ट मेमोरीज में, और उसे याद आने लगता है कि किस तरह से उसके साथ, किस तरह से लोगों ने मतलब लड़कों ने एंड अमित ने बाकी अदर लड़कों ने किस तरह से, कई लड़कों ने उसे नापसंद कर दिया था। और इस तरह से थोड़ी सी सैड भी हो जाती है वो।